हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो क्रीम शेयर करने जा रही हूँ, झाइयों की क्रीम है। ये किस तरह की क्रीम है आपके साथ शेयर करूँगी, एंड इसके अलावा इस क्रीम को यूज़ करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड क्या साइड इफ़ेक्ट होता है इसको यूज़ करने से, तो फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास वन डोज ब्यूटी क्रीम है। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, एक नॉर्मल पैकेजिंग जिस तरह से होती है इसी तरह की इसकी पैकेजिंग है। इस क्रीम में मेंशन हुआ हुआ है इस क्रीम को जब आप यूज़ करेंगे, अगर आपके फेस में झाइयाँ हैं, निशान है, स्पॉट्स वगैरह है या फिर एक्नी के निशान है, कोई सा भी फेस में निशान है तो उसको अच्छी तरह से ये रिमूव कर देती है। सबसे पहले मैं ये शेयर करूँगी कि इस क्रीम में क्या क्या बेनिफिट्स मेंशन है, किस किस तरह से इसको यूज़ करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि वाकई ये रिजल्ट यही देती है या नहीं। कोई भी लेडीज़ या गर्ल्स कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके फेस पे निशानात हो। हर कोई चाहता है कि फेस पे एक भी स्पॉट्स वगैरह ना हो, इसकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसमें जो मेंशन हुआ हुआ है झाइयों का खात्मा, यानी प्रॉपर तरीके से आपकी जो झाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रस्ट एंड ब्यूटी, यानी आप ट्रस्ट करके देखें इस पर तो ये है वाकई ट्रस्ट करने के लायक या नहीं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इसके अलावा इस क्रीम पे जो क्लेम किया हुआ है आप देख सकते हैं, ये एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है और फ्रिकल के निशान है रिमूव हो जाएंगे, डार्क स्पॉट्स है रिमूव हो जाएंगे एंड नॉर्मल ड्राई। ये जो क्रीम है मेड इन पाकिस्तान है एंड इसके अलावा इसकी जो रिटेल प्राइस है 280 है, यानी कि जिस तरह से गोल्डन पिल वगैरह आपको मिलती है इसी तरह से इस प्राइस में ये आपको इस दिन मिल जाती है। एंड इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट दोनों मैंशन हुई हुई है, इसलिए यहाँ से आप देख के यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है 2022 है एंड एक्सपायरी डेट है मई 2025 है। एंड इसके अलावा वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग कंपनी की है ये। सो बॉक्स के इस साइड पे आप इंग्रेडिएंट देख सकते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, यानी एसिड भी है, सेटाल भी है, अल्कोहल भी है एंड इसके अलावा बीन वैक्स भी है, इसमें कॉजिक एसिड भी है जो कि आपके स्किन को प्रॉपर तरीके से वाइट करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। एंड इसके अलावा इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, एंड इसके अलावा विटामिन ए भी है इसमें, B5 है, ऑयल है एंड इसके अलावा अल्फा आर्बोटिन है। तो ये इंग्रेडिएंट इसमें मेंशन हुए हैं। एंड इसके अलावा क्रीम के साइड पे आप देख सकते हैं फुल डिटेल मेंशन हुई भी है, यानी कि ये जो क्रीम है वाइट टच ब्यूटी क्रीम, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो कंप्लीट फार्मूला है ये आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करने का। एंड इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन हुआ है इसमें जो इंग्रेडिएंट है प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जिसको यूज़ करेंगे अगर आप सेंसिटिव स्किन पे भी यूज़ कर लेते हैं तो आपकी प्रेजेंट स्किन पे कुछ भी मसला नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मेंशन हुआ है ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से। एंड इसके अलावा अगर आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह है या आपके फेस पे जो अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ती है उससे भी ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त से प्रोटेक्शन देती है। एंड इसके अलावा आइज़ पे आपके डार्क सर्कल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि आपकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा डल हो रही है, डार्क सर्कल का इशू काफ़ी ज़्यादा है तो उसको रेडिश वाइट करते हैं। एंड इसके अलावा इस क्रीम को जब आप यूज़ करेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा मैजिकल इफेक्ट मिलता है, क्योंकि अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, जितने भी निशानात हैं बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं वो भी इस क्रीम को यूज़ करने के बाद। एंड इसके अलावा इसको किस तरह से यूज़ करना है इस क्रीम को यहाँ पर मैंशन हुआ हुआ है हाउ टू यूज़, देख के आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेंशन हुआ हुआ है जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें, किसी भी सोप से वॉश कर सकते हैं या फिर आप फेस वॉश से भी कर सकते हैं, उसके बाद आप ड्राई होने दें अपने फेस को। एंड उसके बाद आपको क्रीम लेनी है, पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगाना है, बिल्कुल स्लो प्रेशर से, आपको कोई प्रेशर नहीं देना अपने फेस पे, बिल्कुल लाइट फिंगर से लगाएं अपने फेस पे। अच्छी तरह से पूरे फेस पे लगाने के बाद आप सो जाएं, सोने के बाद जब आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें, किसी भी सोप से वॉश करें या फिर किसी भी फेस वॉश से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी तरह से डेली इस क्रीम को यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा इसमें नोट भी मेंशन है, यानी कि अवॉइड रबिंग द क्रीम, यानी कि अगर आप फेस पे इसको लगाते हैं तो आपको रब बिल्कुल भी नहीं, यानी कि क्रीम लगाने के बाद आपको बिल्कुल स्लो स्लो फिंगर से लगाना है, बिल्कुल रब नहीं करना अपने फेस पर। सो अब ओपन करके मैं शेयर कर देती हूँ किस तरह की अंदर से है। अंदर से आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सी पैकेजिंग है, यानी प्लास्टिक पैकेजिंग है। एंड इसके अलावा इसमें एक बुकलेट भी दिया हुआ है जिसमें सब डिटेल मेंशन है, आप देख सकते हैं इसमें सब मेंशन हुआ हुआ है कि अगर आप इस क्रीम को यूज़
यूज़ करें। एंड अगर आपके फेस में मिलासमा का मसला हो गया है, यानी कि आपके फेस में झाइयाँ हैं, जितने भी निशानात वगैरह है, तो उसको ये अच्छी तरह से रिमूव कर देती है। झाइयों वगैरह को, निशानात को रिमूव करने के लिए इस क्रीम को अपने फेस पे आपको लगाना होता है बिल्कुल लाइट हैंड से, यानी फिंगर से। एंड इसके अलावा इसमें मैंशन हुआ हुआ है, अगर आप स्टार्ट से इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जब लगाएं तो 1 आवर के लिए लगाएं, यानी 1 घंटा लगाएं, उसके बाद अपना फेस वॉश कर लें। उसके बाद सेकेंड टाइम जब लगाएंगे तो 20 मिनट आप और बढ़ा देंगे, यानी कि आप 1 आवर 20 मिनट लगाएंगे, उसके बाद फिर फेस अपना वॉश कर लेंगे। एंड इसके बाद फिर जैसे जैसे डेज बढ़ाते जाएंगे तो आप जैसे 5 डेज या 6 डेज अगर लगा लें, उसके बाद आप 4 आवर या 5 आवर अपने फेस पे ही लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। एंड इसके अलावा इवनिंग में अगर आपको कहीं जाना पड़े तो इवनिंग में जाने के लिए सबसे पहले कोई सा भी सनब्लॉक अपने फेस पे लगा लें, उसके बाद इस क्रीम का यूज़ करें। इस क्रीम का जब यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम यूज़ करना है, यानी कि आपको क्रीम की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। एंड इसके अलावा इस क्रीम को पूरे फेस पे अगर आपके झाइयाँ नहीं है तो जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ पे आप लगा के सो सकते हैं। एंड इसके अलावा इसमें ये भी मेंशन हुआ हुआ है, अगर कोई वाइटनिंग क्रीम आप लगाते हैं, यानी कि फेस पे कोई सी भी नाइटनिंग क्रीम लगाते हैं, उस पर इसको डाल के अगर मिक्स करके लगाएंगे और आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है तो अच्छी तरह से वो रिमूव कर देता है। सो अब बात कर लेते हैं इसके बेस्ट रिजल्ट की कि क्या इसको यूज़ करके वाकई आपके फेस की झाइयाँ रिमूव होती हैं या नहीं। तो देखें, अगर आप इस क्रीम को यूज़ करेंगे तो आपके फेस की झाइयाँ बिल्कुल रिमूव होती हैं, यानी कम हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप ये फुल क्रीम यूज़ कर लेते हैं आपके फेस से जितनी भी झाइयाँ वगैरह है वो रिमूव तो हो जाएगी, बट झाइयाँ आती क्यों है ये आपको देखना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप इंटरनल यूज़ कुछ भी नहीं कर रहे और एक्सटर्नल यूज़ करते ही जा रहे हैं, इस तरह बेनिफिट्स मिलने के बजाय आपको साइड इफेक्ट मिलते हैं। तो सबसे पहले अपनी स्किन का टेस्ट कर लिया करें, आपकी स्किन किस टाइप की है, अगर आपके फेस पे झाइयाँ आ रही हैं तो क्यों आ रही है, क्या रीज़न है, पहले रीज़न चेक कर लिया करें। क्योंकि आपके फेस पे झाइयाँ जब ही आती है, जब आपके स्किन पे सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है ब्लड का इशू होता है, यानी ब्लड की कमी होती है। एंड उसके बाद फिर जो सेकंड नंबर पे आ जाता है कैल्शियम एंड प्रोटीन की कमी होती है, जिसकी वजह से आपके फेस पे झाइयाँ बनना शुरू हो जाती है। सो अगर आप क्रीम लगाते हैं अपने फेस पे तो टेम्परेरी आपके फेस से निशानात वगैरह चले जाते हैं, झाइयाँ प्रॉपर तरीके से चले जाती हैं, उसके बाद जैसे ही आप क्रीम छोड़ेंगे तो आपके फेस पे अगेन झाइयाँ आ जाएंगी। सो इसका रीज़न क्या है, देखें इसका रीज़न, इसका आंसर आपके ही पास है। मैंने पहले भी बताया, अगर आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि क्रीम सिर्फ अपने फेस पे लगाते जा रहे हैं, इंटरनल यूज़ ही नहीं कर रहे, यानी कि आपके जो ब्लड की कमी है या फिर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, उस कमी को जब पूरा नहीं करेंगे तो झाइयाँ किस तरह से रिमूव होगी। टेम्परेरी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस क्रीम को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए अपनी झाइयाँ ख़त्म करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस क्रीम का यूज़ ना करें, क्योंकि ये क्रीम हो या कोई सी भी झाइयों की क्रीम हो, अगर आप फेस पे लगाते हैं तो फिर आदत हो जाती है आपको फेस पे लगाने की। क्योंकि अगर आप जैसे ही क्रीम छोड़ते हैं तो आपके फेस में जो थोड़े से निशान होते हैं फिर वो ज़्यादा आ जाते हैं। एंड फिर जितनी भी गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि थोड़ी सी झाई थी अभी इतनी ज़्यादा हो गई, किस तरह से इसको रिमूव किया जाए। फिर आप एंड उसके बाद लेडीज़ स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं, वो ट्यूब्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं कि इतने दिन लगाना है, इतने दिन ये करना है। सो उससे भी आपको यानी कि वीकली या 15 डेज में थोड़ा बहुत सा रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप वो चीज़ें स्किप करते हैं, यानी छोड़ते हैं क्रीम वगैरह लगाने, उसके बाद आपका फेस बहुत ही बुरा सा हो जाता है, फेस पे इचिंग भी शुरू हो जाती है। यानी कि आप जब जब अपना फेस वॉश करते हैं, चाहे नॉर्मल वॉश करें चाहे किसी भी सोप से करें, तो आपके फेस पे इचिंग होने लग जाती है। सो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी स्किन की केयर करें, यानी कि इंटरनल यूज़ करें, खाने पीने का ख्याल रखें ताकि आपके स्किन पे झाइयाँ वगैरह ना हो। अगर हो भी जाती है तो क्रीम्स यूज़ करें, बट कोई सी भी ब्रांडेड क्रीम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये जो क्रीम है ये भी अच्छी है, अपने हिसाब से अच्छी होगी अगर आप अपने फेस पे लगाएंगे तो। मैं नहीं समझती कि इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस तरह की जो क्रीम्स होती है टेम्परेरी आपको रिजल्ट तो दे देती है, लेकिन आपकी स्किन उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है। इसके अलावा आपको साइड इफेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपको क्रीम यूज़ करनी ही है तो आप यूज़ कर सकते हैं 15 डेज या फिर मंथली, उसके अलावा आप यूज़ ना करें। अगर इस तरह की क्रीम यूज़ करते ही रहेंगे तो आपके स्किन को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अंदर से आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है। इसके अलावा इसमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इस तरह के होते हैं, अगर आप अप्लाई करेंगे तो अच्छी तरह से ब्लेंड भी हो जाते हैं। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन क्रीम के हवाले से। अगर आप इस क्रीम को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ही यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो इस तरह की क्रीम की यूज़ करने से अच्छा है कि आप अपनी स्किन की केयर कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो व्यूअर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।